नमस्कार। आज की हमारी रेसिपी है ओरियो बिस्किट आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसके लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्किट आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ओरियो चॉकलेट क्रीम बिस्किट 1 पैकेट, एक फुल क्रीम मिल्क 1 ग्लास, शक्कर 6 टेबल स्पून और 1 कप मलाई। अब एक एक करके हम ये सारे इंग्रेडिएंट जो है अपने मिक्सर जार में डालेंगे। बिस्किट्स को हम छोटा छोटा पीस करके डालेंगे इसमें ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए बिल्कुल हाई स्पीड पे ब्लेंड करेंगे। देखिए, मिक्सचर अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको एक प्लास्टिक कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। आपके घर में कोई भी बॉक्स हो प्लास्टिक का, आप उसमें इसको डाल सकते हैं। तो इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल से पैक करूंगी पहले, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं इसको मिनिमम 2 से 3 घंटे फ्रीजर में रख दूंगी। तो देखिए, 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने बॉक्स फ्रीजर से निकाला है। अब हम इसको चेक करेंगे कि इतना फ्रीज हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं आइसक्रीम हमारी जो है आधी जमी हुई है। अब हम इसको चम्मच से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हम इसको फिर से मिक्सर जार में डाल के एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने फिर से ब्लेंड कर दिया है। तो हम इसको उसी कंटेनर में डालूंगी जिसमें हमने ऑलरेडी इसको स्टोर किया था। अगर आपके पास प्लास्टिक का बॉक्स नहीं है तो आप इसको साधारण किसी एल्युमिनियम बॉक्स है आपके पास, उसमें भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको मिनिमम 9 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लूंगी ताकि अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए। तो चलिए, 10 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम आइसक्रीम बाहर निकालेंगे। तो चेक करते हैं इसको। देखिए, आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से जम गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। एकदम सॉफ्ट लग रहा है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आइसक्रीम बच्चों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसका चॉकलेट का फ्लेवर आता है इसमें। तो मैं यूजुअली उसको गार्निश करती हूँ, या तो अगर आपके पास हर्शी चॉकलेट सिरप है उससे, या तो जेम्स के साथ। तो आज मैं इसको जो है जेम्स के साथ गार्निश करूँगी क्योंकि वो जो बच्चे खाते हैं तो उसका क्रंचीनेस बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जेम्स का। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।